आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर पहाड़ की चोटियों पर था, दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था, मौके पर दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत थी, उनकी तादाद भी संख्या में काफी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उसे विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। साथियों, हमारे नेतृत्व की, हमारे सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति यह अद्भुत थी। साथियों, सारा खेल इच्छा शक्ति का होता है। जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है वही विजयी होता है, चाहे वह युद्ध मनुष्यों के बीच हो या वह पशुओं के बीच। 1999 में जब कारगिल की चोटी पर दुश्मन बैठे थे तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी और यह चर्चा प्रारंभ भी हो गई थी कि पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है, क्या भारत अपनी उस जमीन को पुनः वापस हासिल कर पाएगा। यदि भारत अपनी उस जमीन को वापस हथियाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर का रिएक्शन क्या होगा, यह सब सारी चर्चाएं उस समय होती थी। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत जैसे देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देकर एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। भारत की इच्छा शक्ति पर प्रश्न उठाया गया था, क्या भारत के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वह अपनी जमीन को पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट से वापस ले पाएगा। ऐसी अलग अलग अटकलें लगाई गई, अलग अलग प्रश्न पूछे गए और ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने उन तमाम प्रश्नों का माकूल जवाब दिया था। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। बात चाहे कारगिल की हो या फिर अन्य इंसिडेंट्स की, हमारी सेना ने हमेशा बताया है कि जंग न्यूक्लियर बम से नहीं लड़ी जाती है बल्कि जंग शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति